हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जीमेल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, न्यू जीमेल कैसे बना सकते हैं। ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो से जुड़ी कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो उसका भी कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो उसका भी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हमको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर खोलना पड़ेगा हमको जीमेल बनाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे क्रोम ब्राउजर है, इसको हम क्लिक करते हैं, उसके बाद इस तरह से खुलेगा। इस तरह से हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा एक जीमेल अकाउंट। तो जीमेल अकाउंट बनाने के लिए हमको इसमें लिखना पड़ेगा क्रिएट जीमेल अकाउंट, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं क्रिएट जीमेल अकाउंट। देखिए ऊपर में आ रहा है क्रिएट जीमेल अकाउंट, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से आपके पास आएगा। अभी मेरे पास देखिए यहाँ पे जीमेल अभी इसमें नहीं है, क्योंकि मैं इसमें अभी कुछ ऐड नहीं किया हूँ। कल मैं आपको जो पिछले वीडियो में आपको रीसेट करके बताया था, उसके बाद मैं अभी कुछ तो अभी लॉगिन नहीं किया हूँ। मैं आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। अगर ईमेल है तो लॉगिन करना है, अगर ईमेल नहीं है पहले से तो उसको आपको क्रिएट करना है। तो देखिए ऊपर आइएगा, ऊपर आने के बाद देखिए यहाँ पे है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, तो इसको हेल्प कर क्लिक कर सकते हैं। दूसरे इसमें है क्रिएट योर यानी गूगल अकाउंट, और गूगल अकाउंट यहाँ पे है, इसको आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करने के बाद आपको इसमें देखिए क्या क्या आ रहा है और क्या भरने के लिए देगा। तो इस तरह से जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आपको इस तरह से आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम और कन्फर्म, और जैसे पासवर्ड और कन्फर्म इधर दे रहा है, इसको हम पहले सेलेक्ट कर आपको बताते हैं। तो फर्स्ट नेम जैसे कि आपको अगर नाम होगा जैसे दिनेश कुमार, ठीक, तो आप वहाँ पे दिनेश ऊपर लिखिएगा और नीचे कुमार लिखिएगा। तो चलिए हम दूसरा नाम लेकर यहाँ पे बताते हैं। अगर आपका महेश नाम है और कुमार है, तो चलिए हम यहाँ पे महेश कुमार देखते हैं। तो महेश, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे महेश हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका कुमार नाम है, तो इसमें लास्ट नेम में जाइए और इसमें लिख दीजिए कुमार। देखिए यहाँ पे कुमार हो गया। उसके बाद यूजर नेम बोल रहा है, ठीक है। तो यूजर नेम आपको देखिए MK4513147 ये है, सो ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप इस तरह से इसका चूज कर सकते हैं, आप अपना जो आपको अच्छा लगे वो आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं इसका ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए पासवर्ड है, तो पासवर्ड हम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि देखिए पासवर्ड यहाँ पे आपको हार्ड डालना है, क्योंकि नॉर्मल पासवर्ड यहाँ पे नहीं ले पाएगा। देखिए यहाँ पे यूज 8 और मोर कैरेक्टर विद यहाँ पे मिक्स अ लेटर, उसके बाद नंबर और सिंबल, यहाँ पे हमको तीनों चीज़ मिक्स करके लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं पहले कुमार, कुमार लिख लिए। उसके बाद कुमार लिखने के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ऐट द रेट एगो सिंबल दे देना पड़ता है, एगो हम सिंबल दे देते हैं ऐट द रेट कुमार, ऐट द रेट हो गया। और उसके बाद लिख देते हैं 4513, ठीक, 4513 आपको हार्ड पासवर्ड देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड देना है, तो फिर से यहाँ पे लिख दीजिए जो आप ऊपर पासवर्ड दिए हैं उसी को लिखिए कुमार, देखिए कुमार हो गया, ऐट द रेट, तो ऐट द रेट हो गया। उसके बाद क्या है, तो 4513, तो उसके बाद हम लिखते हैं 4513। इस तरह से देने के बाद आपको देखिए यहाँ पे साइन इन नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो आप नेक्स्ट यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको इस तरह से इंटरफेस आएगा, देखिए आपको क्या रहा है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे फ़ोन नंबर मांगेगा और यहाँ पे रिकवरी ईमेल यानी एड्रेस मांगेगा और डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, जेंडर मांगेगा, ये सब मांगेगा। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि फ़ोन नंबर यहाँ पे मांग रहा है, ये ऑप्शनल है, ठीक, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शनल लिख रहा है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन देना यहाँ पे इसलिए सही है क्योंकि अगर ये अकाउंट आपका है MK4513147@gmail.com, अगर कहीं पर अगर जैसे आपका मोबाइल से अगर डिलीट हो जाता है, अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं, अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आपका नहीं हो पाएगा। उसके लिए यहाँ पे नंबर दे दीजिएगा तो आपके लिए सपोर्ट इसलिए होगा क्योंकि आप अगर जीमेल डालते हैं तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड मार सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए और उसके बाद है रिकवरी ईमेल यानी ईमेल एड्रेस। यहाँ पे देखिए ईमेल एड्रेस यहाँ पे आप ये भी डाल सकते हैं, किसी जो आपके पास अगर दूसरा जीमेल होगा तो आप उसका एड्रेस भी यहाँ डाल सकते हैं यानी पासवर्ड रिकवरी करने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे फ़ोन नंबर डालते हैं, उसके बाद डे, यहाँ पे डे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है सो डालना है, मंथ डालना है और ईयर डालना है, उसके बाद आप कौन जेंडर है वो यहाँ पे डालना है। तो दोस्तों आप ये लोग ये सब है ऊपर जो फ़ोन नंबर है सब आप डाल लीजिएगा, उसके बाद चलिए डेट ऑफ बर्थ है सब डालकर जेंडर डालकर हम आगे क्लिक करते हैं। देखिए सब डालने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम आगे देखते हैं। तो आगे देखने के बाद देखिए इस तरह से प्राइवेसी एंड टर्म्स आएगा जो आपको ऊपर करना है, ऊपर करिएगा तो आई एग्री लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद आपको देखिए इस तरह से आएगा, देखिए आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे मेरा जीमेल क्रिएट हो गया है। आप यहाँ पे चाहे तो हम इस अकाउंट के माध्यम से आप अपना फ़ोन को हम यूज कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो
दोस्तों, अगर आपको जीमेल बनाना आ गया हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगले नोटिफिकेशन और आपको अगले टेक्निकल जानकारी के लिए। तो दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो से रिलेटेड एक कमेंट जरूर कीजिए। और दूसरी बात कि आप टेलीग्राम चैनल पर अगर मेरे नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम आईडी को, तीनों को फॉलो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगले अन्य टेक्निकल वीडियो के साथ।